बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही डिफरेंट सी साड़ी, जो कि आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि मुझे ये सभी साड़ियाँ बहुत ज्यादा पसंद आई है। क्वालिटी वाइज भी बहुत ही अच्छा, एंड साथ ही ये अफोर्डेबल प्राइस में भी आपको मिल जाता है। ये सभी साड़ियाँ मैंने बाई करी है अमेजोन से, और अमेजोन पे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट में भी मिल जाता है। इन सभी साड़ियों का लिंक मिल जाएगा आपको नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां पे मैंने एक सिंगल शॉर्ट लिंक क्रिएट किया है माई हॉल स्टोर करके, आप वहां टच करोगे तो आज का सारा कलेक्शन आपको एक साथ ही दिख जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आज का जो साड़ी का कलेक्शन है वो मैंने एक थीम स्पेशली बंधेज साड़ी पे रखा है। आई होप आप सबके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो, बिकॉज अभी वेडिंग सीजन चल रहे हैं और वेडिंग्स में इस तरीके की साड़ियां आजकल बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आती है। एंड ये ऐसा साड़ी है जो कि आप कभी भी किसी भी ओकेजन पे वियर कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा डिसेंट लगता है देखने में और साथ ही बहुत ही प्यारा लुक देता है, और काफी अच्छी एक कलर कॉम्बिनेशन वाली जो प्रिंटेड होती है ना बंधेज में, वो हमें मिल जाती है, जो कि वेडिंग्स में या फिर किसी भी फेस्टिवल्स में बहुत ही अच्छा लुक देता है। चलिए आज का साड़ी हॉल का वीडियो स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे चैनल पे आप पहली बार आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही में साइड में एक छोटा सा बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिएगा और ऑल पे सेलेक्ट करिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरी साड़ियों का कलेक्शन के सबसे पहले देख सके। और साथ ही आप इन सभी साड़ी का लुकबुक देखने के लिए या फिर मेरे से बात करने के लिए आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, साथ ही मैं स्क्रीन पे भी मेंशन कर दूंगी, तो आप मुझसे वहां पे चैटिंग कर सकते हैं और प्लीज मुझे आप वहां भी फॉलो कर सकते हैं, कर लीजिएगा। और बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के साथ आज वीडियो शेयर कर रही हूँ फाइनली साड़ी हॉल, क्योंकि मैंने आई थिंक बहुत लंबा ब्रेक ले लिया है इस बार। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी एक ऑरेंजिस येलो और रेड कलर में, मरूनी इस रेड कलर में ये बंधेज साड़ी, जिसमें जरी का वर्क है, जरी वीविंग किया हुआ है, और मुझे ये साड़ी बहुत ज्यादा अच्छी लगी है। एक्चुअली इसका जो कलर है वो कोको डस्ट है। इसमें आपको टोटल 10 कलर्स मिल जाते हैं, अमेजोन पे अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आप चाहे तो दूसरे कलर में भी बाय कर सकते हो, काफी अफोर्डेबल प्राइस में भी आपको मिल जाती है। सभी का प्राइस के साथ स्क्रीनशॉट भी मैं साइड में लगा दे रही हूँ, ताकि आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाए। आप लुक वाइज भी देख सकते हो कि कैटलॉग में हमें कैसी दिख रही थी और एक्चुअली में कैसी दिख रही है, वो मैं आपको रिव्यू में शेयर कर ही रही हूँ। तो आप डिसाइड करके चेक करके आप बाय कर सकते हो। वैसे मुझे ये साड़ी बहुत ज्यादा पसंद आई है। इसका जो फैब्रिक है वो है 8 सिल्क फैब्रिक में बंधानी साड़ी मिल जाती है, विद जरी का वीविंग किया हुआ, जरी बॉर्डर के साथ। एंड इस साड़ी का जो लुक पैटर्न है मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, काफी अच्छा और डिसेंट लुक देने वाली ये साड़ी, जिसे आप किसी भी वेडिंग फंक्शन में या फिर फेस्टिवल्स में इजीली कैरी कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी इस साड़ी का पल्ला, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा सुंदर लगा है। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके के फ्लोरल पैटर्न में इसमें जरी का वीविंग किया हुआ है, एंड बहुत ही सुंदर सी इस पे वीविंग का जो पैटर्न है वो दिया गया है, काफी अच्छी फिनिशिंग के साथ है, बहुत ही सुंदर सी क्वालिटी है इसकी। फैब्रिक की क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी है, पैसा वसूल साड़ी, आप डेफिनेटली साड़ी को बाय कर सकते हो। इस तरीके की साड़ी अगर आप मार्केट से बाय करते हो तो आपको अराउंड 1500 प्लस या फिर इससे भी ज्यादा का ही मिलेगा, बट ये आपको अमेजोन पे बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है। और इस प्राइस के साथ ही साड़ी की क्वालिटी, खूबसूरती, लुक के साथ मैं बहुत ही ज्यादा हैप्पी हूँ। सो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू कि आप ये साड़ी बाय कर सकते हो। वैसे मैं ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बातें बिल्कुल नहीं करूंगी, जो साड़ी की है असलियत वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो कुछ इस तरीके का बॉर्डर मिल जाता है, बहुत ही प्यारा सा लोटस का पैटर्न इस पे बना है, आप देख सकते हो बहुत ही सुंदर सी इस पे जरी की वीविंग करी है, क्वालिटी इसकी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। कुछ इस तरीके का बॉर्डर मिल जाता है, साथ ही आपको नीचे ये मिल जाता है आंचल का पैटर्न। पल्ले का जो पैटर्न है ना वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, पहनने के बाद बहुत ही सुंदर सा लुक आता है इसमें, आप देख सकते हो पूरा पैटर्न जो मिल जाता है आपको आंचल में। एंड ये मिल जाता है आपको कोको डस्ट कलर में, ऊपर में इस तरीके का शैडो प्रिंट में मिलता है, एंड बीच में आपको ये येलोइस हल्दी का जो कलर होता है एक्चुअली में थोड़ा सा गाढ़ा, जो ऑरेंजिस टाइप का हल्दी का कलर होता है वैसा कलर है। तो इसे आप इजिली वेडिंग्स में भी पहन सकते हो और फेस्टिवल्स में भी। नीचे के बॉर्डर में कुछ इस तरीके का पैटर्न आपको मिल जाता है इस तरीके के, एंड देखा जाए तो ऊपर नीचे दोनों का जो बॉर्डर है वो सेम पैटर्न में है। फर्स्ट बॉर्डर आपको कुछ इस तरीके के ब्रॉड से मिल जाती है, थोड़ी सी बीच में गैपिंग है, और यहाँ पे आपको ये मिल जाता है थोड़ा सा पतला सा बॉर्डर। तो इस तरीके का पैटर्न आपको बॉटम और टॉप दोनों में मिल जाता है पूरे साड़ी में,
और ये पैटर्न जो बांधनी प्रिंट होता है वही दिया गया है एकदम से जैपनीज स्टाइल में, तो बहुत ही सुंदर सा लग रहा है ये साड़ी। आप डेफिनेटली साड़ी के साथ जा सकते हो, बाय कर सकते हो। और इस साड़ी में एक बहुत ही अच्छी बात है कि आपको ये पूरे लास्ट तक जरी का वर्क मिल जाता है, कहीं भी इस साड़ी में प्लेन पार्ट नहीं है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है साड़ियों में, जो पूरे लास्ट तक इसमें बॉर्डर की वर्क की गई होती है। तो ये साड़ी कुछ उसी तरीके की 5.5 मीटर की साड़ी, और साथ ही में आपको मिल जाती है इसमें ब्लाउज पीस सेम वही पैटर्न में, वही कलर में, कोको रस्ट कलर में ही, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न है ब्लाउज के पीस में, कि आपको ये बीच का जो प्लेन फैब्रिक मिलता है इसमें कोई बंधेज बूटी नहीं मिलती है, बट यहाँ पे आपको मिल जाता है ऊपर में और साथ ही नीचे में, जिसे आप बैक साइड में या फिर स्लिप्स पे दिला सकते हो। बहुत ही अच्छा सा मैचिंग करता हुआ ये ब्लाउज का पीस है सेम वही फैब्रिक में, बट आपको इसमें औस्तर दिला के स्टिच कराना पड़ेगा। एंड ब्लाउज फैब्रिक की जो लेंथ है वो 0.80 मीटर है, यानी कि 80 सेंटीमीटर ब्लाउज पीस का फैब्रिक दिया है इन्होंने, और काफ़ी अच्छी ब्लाउज पीस की क्वालिटी भी है। सेम वही फैब्रिक है जो कि साड़ी की फैब्रिक है, 8 सिल्क सेम वही फैब्रिक आपको मिल जाती है। सो ये साड़ी भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ जाके बाय कर सकते हो। नेक्स्ट साड़ी मैं आपको दिखाऊंगी ग्रीन कलर में, जिसमें गोटा पट्टी का वर्क हो रखा है, साथ ही में आपको बंधानी प्रिंट पे भी मिल जाती है। बंधानी साड़ी विथ गोटा पट्टी वर्क जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी है, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आ रही है, और साथ ही बहुत ही ज़्यादा इन है, और वेडिंग्स एंड फेस्टिवल्स में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इस तरीके की साड़ी आप किसी भी वेडिंग्स में आराम से वेयर कर सकते हो। एंड ये मैंने ग्रीन कलर में बाय करा है, इसमें टोटल 7 to 8 कलर्स हैं, आप चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आपको ये ग्रीन कलर में नहीं चाहिए तो इसमें बहुत और भी बहुत सारे कलर्स हैं, पिंक है, ऑरेंज है, रेड है, आप उसमें बाय कर सकते हो। इस तरीके की साड़ी भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लुक आता है, काफ़ी डिसेंट सा लुक आता है इस तरीके की साड़ी में। सबसे पहले मैं इस साड़ी के बॉर्डर की क्वालिटी की बात करूं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, आप देख सकते हो कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ ये बॉर्डर की क्वालिटी मिल जाती है, जिसमें आपको ये लिप्स वाले पैटर्न मिल जाते हैं विद गोटा पट्टी, यहाँ पे आपको गोटा पट्टी वाला ट्रायंगल वाला लेस भी मिल जाता है। बहुत ही प्यारी सी ये साड़ी, आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो। साथ ही आप यहाँ पे आपको ये गोटा पट्टी का पैटर्न मिल जाता है, आप देख सकते हो कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ इसमें गोटा पट्टी का वर्क किया गया है। साड़ी में जो ये गोटा पट्टी का डिज़ाइन बना है ना, फ्लोरल वाला डिज़ाइन, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। सेम टाइम ये बहुत अच्छी क्वालिटी की है। इस साड़ी की जो फैब्रिक है जयपुरी बंधेज जो बोलते हैं 8 सिल्क, वो साड़ी है, काफी अच्छी साड़ी की क्वालिटी है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। इसे आप अपनी बॉडी पे जिस तरीके से रैप करोगे उस तरीके से ये आपके बॉडी के शेप के अकॉर्डिंग आपके बॉडी में ना ये इनहांस हो जाएगा, आपके शेप को बहुत ही अच्छे से इनहांस करेगा। तो ये साड़ी मिल जाती है बहुत ही सुंदर सी, इस पे ये पैटर्न हो रखी है, काफी अच्छी दिख रही है। ये जो ग्रीन कलर है मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था, इसलिए मैंने इसे ग्रीन कलर में बाय किया है। एंड इसे आप मेहंदी फंक्शन के हिसाब से डेफिनेटली बाय कर सकते हो, काफ़ी अच्छी भी लगेगी मेहंदी के फंक्शन में। इस तरीके का ग्रीन कलर के साथ अगर आपको गोटा पट्टी वर्क मिल जाए और बंधेज प्रिंट में, तो क्या ही बात है। तो मेहंदी फंक्शन के हिसाब से भी आप इसे बाय कर सकते हो। सेम आपको यही बॉर्डर मिल जाता है, यही गोटा पट्टी वाला पैटर्न मिल जाता है नीचे बॉटम में भी, और ऊपर में जो टॉप में लेस मिलती है कुछ इस तरीके की मिल जाती है आपको, ये देख सकते हो आप, जड़ी वाला विविंग का लेस मिल जाता है। ये आप कमर में टक्करोगे वो पार्ट है, आंचल तक आपको ये बॉर्डर मिलता है जो कि आंचल में जाएगा, काफ़ी अच्छी लेंथ तक भी ये बॉर्डर है आंचल में। 5.5 मीटर की ये साड़ी है और इसी में अटैच आपको 80 सेंटीमीटर की, ये 0.80 सेंटीमीटर की ये ब्लाउज पीस मिल जाती है, जिसका फैब्रिक जो है वो प्लेन है, बंधेज वाली बूटी नहीं है, बट सेम वही फैब्रिक है जो साड़ी की फैब्रिक है, वही फैब्रिक आपको मिल जाती है ब्लाउज पीस में भी। इसमें सिर्फ आपको बैक नेक के पास जो जाएगा बैक में, सिर्फ उसके लिए ये थोड़ा सा यहाँ पे डिजाइन हो रखा है और यहाँ पे ये लेस बॉर्डर है, बाकी का सारा कुछ प्लेन रहेगा। इसमें आपको औस्तर दिला के स्टिच कराना पड़ेगा। इसके वर्क की क्वालिटी की फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो आप डेफिनेटली साड़ी को बाय कर सकते हो। नेक्स्ट साड़ी मैं आपको दिखाऊंगी, अगर आप कॉटन में बंधानी पहनना चाहते हो तो ये ऑप्शन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि अभी समर आने वाली है और समर में हमें कॉटन की जो साड़ियाँ होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल लगती है। तो नेक्स्ट ये साड़ी मैंने बाय किया है बंधेज प्रिंट में, बट ये कॉटन की साड़ी है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल है पहनने में, और सेम टाइम बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में भी आपको मिल जाती है। इस साड़ी के साथ मुझे एक बेनिफिट पॉइंट भी दिख रही है, और आई डोंट नो, शायद मैं नहीं समझ पा रही हूँ, अगर आप लोग समझ जाओ तो प्लीज़ मुझे भी समझा देना। इस साड़ी में दोनों तरफ आपको मिल जाता है इस तरीके का पार्ट, जिसमें ना ये हल्का सा
इस तरीके से मरून शेड में है, जिसे हम आंचल बोल सकते हैं। बट ये चीज दोनों तरफ से आपको मिल जाती है, यानी कि आप इस साड़ी को दोनों तरफ से भी वियर कर सकते हो, क्योंकि दोनों तरफ से आपको ये पैटर्न मिल जाता है। मैं आपको आगे दिखाती हूँ वीडियो में, प्लीज बने रहिए। तो यहाँ पे आपको ये मिल जाती है बंधानी प्रिंट में, यहाँ पे मरून कलर है इसका, आप देख सकते हो। साथ ही में आपको बॉर्डर मिल जाती है जरी वीविंग किया हुआ, अच्छी पैटर्न में भी ये बॉर्डर दिया गया है। कॉटन की साड़ी है, पहनने में बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, एंड सेम टाइम बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में भी मिल जाती है कॉटन की साड़ी। ये थोड़ा सा इस तरीके से मुझे इसको खोलना पड़ रहा है, क्योंकि ये इस तरीके से रैप है। कॉटन की साड़ी चिपकती है, तो यही चीज़ लोगों को अच्छी लगती है कि कॉटन की साड़ी जैसे पहन लो वैसे बॉडी में चिपक जाती है, तो बार बार फिसलने की प्रॉब्लम नहीं होती है, और सेम टाइम कैरी करने में भी बड़ा इजी हो जाता है कॉटन की साड़ियाँ। तो इसी तरीके से आपको ये पूरी साड़ी मिल जाती है, इसी तरीके से ये चिपकी हुई है। ओके, तो जैसा कि मैंने बताया आपको दोनों साइड से ये इस तरीके का बॉर्डर वाला मिल जाता है, दोनों तरफ आपको इतना ये मरून इधर भी है, जिसे आप कमर में टक्करोगे, और सेम टाइम यही पैटर्न आपको मिल जाता है आंचल में भी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप किसको किधर पहन सकते हो। उल्टा सीधा देख के ही हम पहनेंगे साड़ी, उस हिसाब से आपको ये दोनों तरफ मिल जाती है। बॉर्डर की बात करूं तो टॉप और बॉटम की बॉर्डर सेम है, सेम आपको यही ब्रिथ मिल जाती है, यही डिजाइन का पैटर्न मिल जाता है, यही कलर मिल जाता है, आप देख सकते हो। बॉर्डर की सेम पैटर्न डिजाइन है और सेम क्वालिटी है। देखने में ये साड़ी मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया है, इसका लुक बहुत ही ज्यादा अच्छा है। कॉटन फैब्रिक में है, इसलिए काफी ज्यादा कंफर्टेबल भी हो जाएगा पहनने में। तो आप इस साड़ी को डेफिनेटली बाय कर सकते हो, पूरी साड़ी आपको इसी तरीके की मिलेगी। साइड में आप ट्राइन पार्ट में देख सकते हो, आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल लुक इसका कैसा आएगा। इस साड़ी के साथ आपको मिल जाती है ये ब्लाउज पीस, कॉटन फैब्रिक में ही 2x2 कपड़ा है, तो इसमें ऑस्टर भी दिला सकते हो, और अगर आप ना चाहे तो नहीं भी दिला सकते हो। काफी अच्छी गॉफ कपड़ा है, जैसे कि हम सिंपल ब्लाउज पीस लेते हैं ना कॉटन की, उस तरीके की इसकी क्वालिटी है। तो अगर आप चाहे तो इसमें ऑस्टर नहीं भी दिलाओगे तो भी आप इसको स्टिच करा सकते हो। ब्लाउज का फैब्रिक आपको कुछ इस तरीके का मिल जाएगा, 0.80 सेंटीमीटर का ब्लाउज फैब्रिक मिल जाता है आपको। ऊपर में मरून कलर है एंड नीचे में ये येलो एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन का ये मिल जाता है। काफी सुंदर लगेगा जब ये ब्लाउज स्टिच करा के इस साड़ी के साथ आप वेयर करो। नेक्स्ट, आज के हॉल वीडियो में मैंने एक कुर्ता सेट भी ऐड करा है, और मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आ गया था, सो मैंने इसे बाय कर लिया, और सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ इसी वीडियो में शेयर कर दूं। मुझे ये कुर्ता सेट बहुत ही ज्यादा प्यारा लगा है, मुझे लगा कि आप लोगों को साड़ियों के साथ एक कुर्ता सेट भी दिखा दूं तो क्या ही बात है। कि अगर आप साड़ी पहनना पसंद करते हो तो भी आप सूट वेयर करते हो, तो ये ऐसा सूट है जिसे आप किसी भी ओकेजन पे वेयर कर सकते हो, छोटे मोटे घर के फंक्शन है उसमें भी वेयर कर सकते हो, या फिर आप कहीं आ जा रहे हो तो ट्रेवलिंग में भी वेयर कर सकते हो। रेयॉन कॉटन फैब्रिक में मिल जाता है, ब्रांड है इसका इंडो एरा, ये एक ब्रांडेड कुर्ती है। इस तरीके का पैटर्न आपको मिल जाता है, इसे मैंने बाय करा है ब्लैक कलर में, साइज इसमें है मेरा M, और यहाँ पे आपको 3/4 स्लीव्स मिल जाती है, और फ्रंट का जो नेक है आपको राउंड नेक मिलता है इस तरीके का। फ्रंट में नेक पे जो डिजाइन बना हुआ है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। थोड़ा सा क्लोज करके मैं दिखा देती हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे ये जैकवर्ड फैब्रिक जो होता है वो है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है इसके फैब्रिक की, और बहुत ही अच्छे फ्लोरल वाले पैटर्न इस पे डिजाइन किए गए हैं। एंड ट्रस्ट मी गाइज, इस कुर्ता सेट के साथ आप कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होंगे, काफी अफोर्डेबल प्राइस में भी मुझे ये मिल गया है, और बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है, एंड इसकी क्वालिटी भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी है। स्लिप्स पे भी आपको ये बॉर्डर मिल जाता है फ्लोरल पैटर्न वाला, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। दोनों स्लिप्स पे मिल जाते हैं यहाँ पे, बहुत ही सुंदर सी ये कुर्ता सेट लगी है मुझे। आप डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो, आप अपने मम्मी के लिए भी ले सकते हो, या फिर आप अपने लिए भी ले सकते हो, बहुत ही सुंदर सी लगती है। ये एक स्ट्रेट कुर्ता है, आप इस तरीके से देख सकते हो। बैक से मैं दिखाऊं तो सिंपल सी प्लेन है, बैक में कोई डिजाइन या पैटर्न नहीं है इस तरीके का। इसके साथ आपको मिल जाता है प्लाजो पैंट, जो कि बहुत ही अच्छी फ्लेयर के साथ है। इसमें आपको ये बिल्कुल कम नहीं पड़ेगा इसका फ्लेयर, ये आपको पैंट मिल जाता है, काफी अच्छी फ्लेयर के साथ है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। एंड इसके यहाँ पे भी आपको मिल जाता है बॉटम में ये जैकवर्ड फैब्रिक में, जो कि कुर्ते के स्लीव्स पे दिया गया, सेम आपको यही मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिल जाता है आगे से फ्रंट वाला लुक, जिसमें ये बेल्ट का पैटर्न है पट्टी वाला, और बैक से आपको मिल जाता है यहाँ पे स्ट्रेचेबल इलास्टिक।
और साइड में आपको इसमें पॉकेट भी मिल जाती है यहाँ पे, जो कि काफी ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है, आप किसी फोन या वॉलेट को कैरी कर सकते हो। और इसको पहनने के बाद उठने बैठने या चलने में काफी ज्यादा कंफर्टेबल फील हुआ है मुझे। एंड मेरी हाइट जो है वो 5'4" है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कि साइड में मेरी कितने लेंथ तक गई है, उस हिसाब से आप मेजरमेंट कर सकते हो। एंड इस कुर्ता सेट के साथ मिल जाता है ये वाला दुपट्टा, जो कि बहुत ही सुंदर सी है। चाहे तो इस दुपट्टा को अपने और भी ड्रेस के साथ स्टाइल कर सकते हो, जो कि इस तरीके के वेज कलर को कॉम्प्लीमेंट करता हो। सिल्क ब्लेंड में ये फैब्रिक मिल जाता है, चंदेरी सिल्क वाला फैब्रिक है, और दोनों कॉर्नर पे ना इस तरह के टसल्स लगे हुए हैं, फैब्रिक टसल। और ये दुपट्टे की क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है, और ये टोटली कुर्ता सेट ही मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा है। अगर आपको पसंद हो तो आप भी बाय कर सकते हो। इसके साथ ही मैंने एक कुर्ता लिया है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग गया था और मुझे नीड भी थी, तो मैंने एक कॉटन फैब्रिक में ही इसे बाय करा है, मरून कलर में, जिसमें आपको ये राउंड नेक मिल जाता है, जिसमें इस तरीके का हल्का सा वी में कट लगा हुआ है, जो कि पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लुक देता है। एंड पूरे आपको ये एम्ब्रॉयडरी वर्क में मिल जाता है। एंड इस कुर्ता का जो ब्रांड है रियल बॉटम है, इसमें साइज मेरा M है। सुंदर सा ये कुर्ता है जिसमें आपको काफी नीचे तक ये एम्ब्रॉयडरी का वर्क मिल जाता है। इसे पहनने के बाद बहुत ही ट्रेडिशनल एंड स्लिक सा लुक आता है, बहुत ही सुंदर लगता है जब इसे आप वेयर कर सकते हैं। इसे आप प्लाजो पैंट लेगिंग्स के साथ स्टाइल कर सकते हो, बहुत ही प्यारा लगेगा। कुछ इस तरीके की फ्लोरल वाले पैटर्न मिल जाती है, थ्रेड की एम्ब्रॉयडरी हो रखी है इस पे, फुल एम्ब्रॉयडर्ड है काफी नीचे तक, यहाँ तक आपको एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है। सेम टाइम आपको स्लिप्स पे भी मिल जाती है, दोनों स्लिप्स पे भी मिल जाती है कुछ इस तरीके की एम्ब्रॉयडरी जो कि हो रखी है। काफी अच्छी फिनिशिंग के साथ है एंड क्वालिटी इसका बहुत ही अच्छा है, नी लेंथ तक मुझे ये आया है। प्राइस इसकी बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है, 400 समथिंग की ये कुर्ता है। अकॉर्डिंग टू दी प्राइस इस कुर्ता की बात करूँ तो बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी की एंड बेस्ट मिली है, ये अच्छी है ये। एंड आप इसका बैक लुक देख सकते हो, कुछ इस तरीके का सिंपल सा है, राउंड नेक मिल जाता है आपको, प्लेन है, और पहनने के बाद इसमें बहुत ही प्यारा सा लुक आया है। और ये एक स्ट्रेट कुर्ता है, आप देख सकते हो। प्रोडक्ट्स के आपको लिंक मिल जाएंगे मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। और ये कुर्ता सेट भी मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारा लगा, बहुत ही सुंदर सी लुक आई है, और ये कॉटन मटेरियल में, एज यू नो कि अब समर आ रही है, तो समर में ये हम बहुत ही अच्छे से स्टाइल कर पाएंगे, ये कुर्ता हो या फिर ये कुर्ता सेट हो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। ये दोनों समर के हिसाब से बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। एंड साथ ही जो साड़ियां आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है, वो भी समर वेडिंग्स और फेस्टिवल्स के हिसाब से बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, कंफर्टेबल है, अफोर्डेबल प्राइस में भी आपको मिल जाता है, तो डेफिनेटली आप ट्राई आउट कर सकते हो इन सभी साड़ी और सूट्स को। ओके फ्रेंड्स, ये थे मेरे आज के वीडियो जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डीएम चैनल को सब्सक्राइब करके आप मुझे मोटिवेट कर सकते हैं, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। ओके देन, मैं मनीषा मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट हॉल वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।